प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी हम इतनी कथा सुन रहे, बातें तो आप सही सही बोल रहे, बदल क्यों नहीं रहे? अब ये भी प्रश्न है। एक घटना हम तुम्हें बताएं, दरअसल तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम क्यों नहीं बदल रहे। एक बार क्या हुआ, दो आदमी वृंदावन, कौन कौन जानता है, हाँ हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे पीटने के। दो आदमी वृंदावन में भांग खा के नाव में बैठ गए, इनको जाना था दिल्ली। तो दोनों आदमी बोले, एक काम करो यमुना जी, वृंदावन से दिल्ली गई, बस ट्रेन से कौन जाए, नाव से चलो, रात भर का टाइम है, कल तक पहुंचे ही जाएंगे, जहां तक पहुंचेंगे वहां से फिर देखा जाएगा। नाव पर बैठ गए, दोनों लोगों ने पूरी रात नाव चलाई। सुबह हुआ, बोले पूछो भाई कोई सिटी आ गई। तो पूछा भाई ये कौन सा शहर है, बोले ये तो वृंदावन है। तो एक दूसरे की तरफ देख के बोले, रात को कहाँ से चले थे, बोले वृंदावन से। तो बोले रात भर में पहुंचे कहाँ, बोले वृंदावन। बोले यमुना जी गोल हैं क्या, नहीं यार गोल तो नहीं है, लगता है ये आदमी मजाक कर रहा। दूसरे से भाई ये कौन सा सिटी है, वृंदावन है। अब और दिमाग खराब, तो भाई रात भर चले कहां, चले तो सही है। दूसरा बोला पसीना आ गया, हाथ दर्द कर रहा, इतनी नाव चलाई, पर वृंदावन के वृंदावन। तब तक एक की नजर पीछे गई, अरे बोले नाव ही चलाते रहे, रस्सी तो खोली ही नहीं है। जिस खूंटे से रस्सी बंधी थी वो तो अभी भी ज्यों की त्यों बंधी है, वो तो खोली ही नहीं है, इसलिए ज्यों के त्यों है। वही हमारा और तुम्हारा हाल है, कथा में बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, लेकिन जब कभी पहुंचते नहीं है तो समझ जाना तुम्हारी संसार की आसक्ति की रस्सी अभी बंधी ही है, उसको खोल दोगे तो तुम भी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए रस्सी को खोलना जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग रस्सी नहीं खोलते, हम लोग भगवान को भी धोखा देते। हम लोग बहुत गजब के लोग हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, खिलाते हैं लुगाई को। गजब के लोग हैं, और अब कहते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहे।